आखिरकार हम्बल स्टूडियो ने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि सलार और डंकी मूवी की क्लेश होने वाली है 5 दिसंबर को। और ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे आती है, सोशल मीडिया में दो तरह के लोग नजर आते हैं। पहली वो लोग जो इस खबर से दुखी थे, उनका ये कहना था इंडियन सिनेमा के दो बेहतरीन डायरेक्टर, दो बेस्ट एक्टर के साथ आ रहे हैं, उनके फिल्म एक दूसरे के फिल्म के साथ ही क्लेश होना था, ये इंडियन सिनेमा की लॉस है। दूसरे वो लोग है जिन्हें इस खबर से इतनी खुशी मिल रही है मानो इन दो फिल्म के प्रॉफिट के पैसे उन्हें ही मिलने वाला है। ये लोग इस बात से खुश है कि आखिरकार अब पता चलेगा बॉक्स ऑफिस के किंग कौन है, कौन सी एक्ट्रेस की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जैसे कि प्रभास की फैंस का ये कहना है, 2 बार 1000 करोड़ की फिल्म देके क्या बड़ा काम कर लिया, अभी भी इंडिया में हाईएस्ट कमाने वाला मूवी बाहुबली 2 है। वही शाहरुख खान के फैंस का ये कहना है, प्रभास को एसएस राजामौली सर की वजह से लोग जानते हैं, नहीं तो उन्हें कोई नहीं जानता। खैर छोड़ो, ये सब चीजें तो फिल्म रिलीज होने तक चलता रहेगा। अब जो नई बात सामने आई है, प्रभास की सलार और शाहरुख खान की फिल्म डोंकी दोनों ही फिल्म रीमेक है। ये चीज ऑफिशियल तो कहा नहीं गया है, किंतु रिमर्स की मानो तो डोंकी मूवी दिलकर शर्मा की 2017 में आई CIA मूवी का रीमेक है। ऐसे तो मैं इस मूवी को नहीं देखी, मगर उसकी स्टोरी कुछ ऐसा था कि दिलकर शर्मा को अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोकने के लिए इनलीगली अमेरिका जाना पड़ता है। और डोंकी मूवी की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी सुनने को मिला था, जहाँ शाहरुख खान इनलीगली डोंकी फ्लाइट के माध्यम से कनाडा जाएंगे। यह डोंकी फ्लाइट वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके लोग इनलीगली किसी देश में घुसते हैं। दूसरी तरफ ये रिमर्स आ रहा है कि सलार मूवी भी प्रशांत नील सर की डेब्यू मूवी उग्रम की रीमेक है, जिसमें श्री मुरली नजर आए थे पुलिस ऑफिसर के रोल में। और हमें सुनने को मिला था प्रभास सलार मूवी में पुलिस के रोल में नजर आने वाले हैं। मगर दोस्तों, मुझे लगता है अभी से किसी मूवी को रीमेक कहना गलत होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।